नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के बारे में है। जी हां, मुकेश सैनी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली बुला लिया है। मुकेश सैनी की मुलाकात कांग्रेस के नेताओं और तेजस्वी यादव से हो सकती है। मुकेश सैनी को 2 सीटें महागठबंधन की ओर से मिल सकती है और महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं मुकेश सैनी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुई जिसमें राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। राजद ने अपने पास 26 सीटें रखी, कांग्रेस को 9 सीटें मिली तो लेफ्ट पार्टियों के खेमे में 5 सीटें आई, लेकिन मुकेश सैनी को कुछ नहीं मिल पाया था। जिसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सैनी अब अगला कदम क्या उठाएंगे, तो अब मुकेश सैनी अचानक दिल्ली चले गए हैं, तेजस्वी यादव ने उन्हें बुलाया है, तो एक खबर सामने आ रही है कि वो जल्दी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन दल के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। पहले चरण की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस बीच बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सोमवार को वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में मुकेश सैनी की आरजेडी नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात होने की संभावना है। सैनी के अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में वीआईपी की सीट शेयरिंग हो सकती है। आरजेडी या कांग्रेस की ओर से मुकेश सैनी को कितने सीट दिए जाएंगे इसे लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। बता दें, महागठबंधन में हुए सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अनुसार आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुकेश सैनी की निषाद आरक्षण मांग पर आरजेडी ने सहमति जताई है। चर्चा है कि अगर 2 सीट पर मुकेश सैनी मानते हैं तो 1 सीट आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस छोड़ेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फरपुर छोड़ा जाएगा और आरजेडी मिथिलांचल से कोसी के बीच में कोई 1 सीट छोड़ सकती है। गौरतलब है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से मुकेश सैनी यह कहकर गठबंधन छोड़ गए थे कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। तब सैनी ने कहा था कि 25 सीट और डिप्टी सीएम पद का वादा करके उन्हें धोखा दिया गया है। बता दें कि 2019 में भी मुकेश सैनी की पार्टी गठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उस वक्त वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी में अपने प्रत्याशी उतारे थे। खगड़िया से मुकेश सैनी खुद चुनाव लड़े थे, हालांकि उस चुनाव में 3 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो अब यह बड़ा अपडेट सामने आया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, मुकेश सैनी महागठबंधन में सीटों का उम्मीद था उन्हें कि महागठबंधन में उन्हें सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहीं यही हुआ था पशुपति पारस के साथ भी। उन्होंने भी आस लगाई हुई थी कि लालू यादव या फिर कांग्रेस में उन्हें कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सैनी और पारस का अगला कदम क्या होगा। पारस तो दोबारा एनडीए में चले गए, लेकिन मुकेश सैनी ने कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी दिल्ली चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है और वहां उनकी मुलाकात तेजस्वी से हो सकती है और उन्हें 2 सीटें मिल सकती हैं और मुकेश सैनी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।